शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये जॉब हम आपको नहीं दे सकते। महलों वाले रे, महलों वाले रे, job experience? मिसेस रानी गोयल, हम आपको ये जॉब सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली तुम आ गई? Never mind. आज का पहले दिन था ना इंटरव्यू का। Don't worry, तुम्हें जॉब जरूर मिलेगी। नहीं राज, अब आज के बाद हम कोई इंटरव्यू के लिए नहीं जाएंगे। रानी, तुम ऐसे हिम्मत कैसे हार सकती हो? कहा ना, आज के बाद हम कोई इंटरव्यू नहीं देंगे। रानी, कुछ हुआ क्या? हुआ है।
सिलेक्शन हुआ है, हमें जॉब मिल गई। What? तो जॉब मिल गई? All right. Congrats. इतनी खुशी की बात दिल में थी, वो चेहरे पर 12 बजे हुए थे। रानी, वो तो हम आपको यूं ही सता रहे थे। ओके। ये तो आपकी और माँ की दुआ की वजह से मिल गया, वरना 12,000 की नौकरी हम में इतनी काबिलियत कहाँ है? अब हमारे सारे सपने धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। देखिए चॉकलेट आए हम आपके लिए। रानी मैं नहीं खा सकता। अरे चॉकलेट को ना कह रहे, वो भी हमारे जॉब मिलने की खुशी में। सो व्हाट, मुंह तो फिर भी मीठा किया जा सकता है। नॉट अलाउड। माँ आइए ना। जीती रहे, खुश रहे। मैं तो सिर्फ इतना पूछने आई थी बेटा कि रानी को नौकरी मिली या नहीं मिली, लेकिन तुम दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट से लग रहा है कि तुझे नौकरी मिल गई। मिल गई ना? हाँ माँ, नौकरी मिल गई है। हे भगवान, मुबारक हो। अच्छा सुन, शाम दिवाली की पूजा है, सब मिलकर साथ में पूजा करेंगे, ठीक है? तू तैयार रह ना। दिवाली नहीं होगी, मुसीबत होगी है मेरे लिए। यहाँ की सफाई करो, वहाँ की सफाई करो, ऊपर चढ़ चढ़ के सफाई करो, और मुझे क्या मिल रहा है? ये तो कोई सोने का गहना भी नहीं देने वाला। अंदर जो मिठाई पड़ी है वो भी मम्मी जी बोलती है लक्ष्मी पूजन के बाद ही खाना, तब तक क्या देखती रहूं मैं उसे? भाभी वैसे बता रहे हैं दिवाली के दिन इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं होता, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। हाय, हाँ तो कोई बात नहीं ना, माफी मांग लेती हूँ। क्या करूँ, सोच भी तो उन्होंने दी है। मैं अभी आती हूँ। सलोनी, तुझे खुशी की खबर सुनाऊँ? हाँ, अपनी रानी को नौकरी मिल गई है। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़। 12,000 रुपये मिलेगी तनख्वाह। ले मुंह मीठा कर। ये तेरे पापा के लिए, उनको भी खुशी की खबर सुना दो ना, वो मीठा हो जाएगा उनका भी। मांग ली माफी। ये लीजिए चॉकलेट खाइए। हाय चॉकलेट, किसने भेजी दिवाली पे? रानी भाभी ने भेजी है। जी? अपनी नौकरी मिलने की खुशी में। हाय, अभी वो नौकरी करेगी और राज घर में बैठ के रोटी पकाएगा। भाभी आपको इससे की प्रॉब्लम हो रही है? वो लोग अपने घर में चाहे कुछ भी करें, आप कितना जल रही है? जले मेरी जूती। वैसे बता रहे हैं हमें कोई नौकरी वोकरी करने की जरूरत नहीं, हमारा पति ना अच्छा खासा कमा लेता है। पर भाभी आजकल तो ज्यादातर मैरिड कपल्स दोनों नौकरी करते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, और लक्ष्मी जी ने दिवाली पर रानी भाभी पर खूब कृपा की है। आपको पता है रानी भाभी को महीने के 12,000 रुपए मिल रहे हैं। अब हाँ भाई, जिसमें कोई अक्कल होगी, कोई क्वालिफिकेशंस होगी, उसे ही कोई इतनी अच्छी नौकरी देगा ना। कौन सा फिकेशन? फॉरगेट इट भाभी, वैसे भी आपको इन सब चीजों से क्या करना, आप तो खुद को कितना बिजी रखती हैं, इधर की बातें उधर करना, उधर की बातें इधर करना, कितना मेहनत का काम करती हैं आप। वैसे बता रहे हैं फैमिली पॉलिटिक्स में यू आर नंबर वन, कोई ना कोई फुलझड़ी तो जलाती ही रहती है। नौटंकीबाज। वैसे बता रहे हैं हमें जो भी आता है, जो कुछ भी आता है ना, अच्छे से ही करते हैं। वैसे बता रहे सब ऐसे खुश हो रहे जैसे महारानी जी को नौकरी नहीं कोई लॉटरी लग गई है। अब नौकरी करेगी रानी साहिबा? तो करे ना, हमें क्या। लो, हमें क्या मतलब, वैसे बता रहे हैं अलग अलग घर में रह रहे, लेकिन दुनिया वालों के लिए अब तक तुम भाई भाई हो ना। अरे दुनिया वालों को क्या पता कि घर के अंदर क्या होता रहता है, बस तुम तो बातें सुनने के लिए तैयार हो जाओ। कैसी बात है आरतिया, अरे लोग हमें क्या कहेंगे।
ये पूछो कि क्या नहीं कहेंगे। दुनिया वाले तो यही कहेंगे कि मनोज का छोटा भाई है ना, घर में बेकार बैठा रहता है और उसकी बीवी पैसे कमा के घर में लाती है। उन दोनों को तो कुछ शर्म ही नहीं है, लेकिन हमारी आंखों में अब तक शर्म बची है। इस सोसाइटी में हमारी थोड़ी बहुत इज्जत है, उस पे भी भट्टा लग जाएगा। छोटी सी बात ना तुम्हारे समझ में आती कैसे नहीं, मुझे समझ में नहीं आती। बुढ़बक कहीं के। अब हमारे घर में नई बात क्या हो रही है? हमारे घर में क्या नया हो रहा है? दिवाली है बेटा और क्या? माँ, ये राज क्या कर रहा है? अपना राज? मेरा मतलब है राज हम लोगों के साथ कहाँ रहता है बेटा? कहीं भी रहे माँ, वो कुछ भी करेगा, लोगों की उंगलियां तो हम पर ही उठेगी ना। हाँ, अब रानी नौकरी करेगी तो अड़ोस पड़ोस वाले सौ सौ बातें नहीं बनेंगे। मनोज बेटा तू भी ना, लोगों का क्या है, लोगों को तो आदत होती है बातें बनाने की। अब वैसे भी राज और रानी हमारे साथ तो रहते नहीं, फिर हमें उससे क्या लेना देना कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। और फिर मनोज एक बात सोच, रानी अगर दो चार पैसे कमा भी लेगी तो अच्छा ही है ना, कम से कम अपना खर्चा तो दोनों उठा सकेंगे। नहीं तो पता चला कि दुनिया की शर्म के मारे हमें, मेरा मतलब है तुझे कहीं उनका खर्चा ना उठाना पड़ जाए बेटा, है ना। इसलिए मैं तो कहती हूँ राज और रानी जो करते हैं अपने घर में करने दो, ने बीवी कमाए मियाँ खाए, हमें उससे क्या लेना देना बेटा। बस हमसे कोई उम्मीद नहीं लगा कर बैठे, क्यों बेटा? ठीक कहा ना मैंने मनोज? हाँ हाँ। अब माँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक। आरती माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, वो रानी नौकरी करती, करने दो उसे। आरती। हैं जी। बेटा तू भी ना, दिवाली के दिन घर में आग लगाने के बजाय दिए क्यों नहीं जलाती? क्या हुआ माँ? अरे वही उसके हमेशा का तमाशा, दिवाली के दिन भी चूकी नहीं वो आग लगाने से, पूरी लड़ी है पटाखे की। वो तो सच मुझे, चल हम चल के असली के पटाखे जलाते हैं। कितना मुश्किल माह सिलसिला, कितने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। डरी रहो ना, कम से कम इसी बहाने करीब तो रहोगी। डर कौन रहा था, वो तो यूं ही अचानक। अचानक क्या? रानी आज कितना अच्छा लग रहा है ना, ये हमारी शादी के बाद की पहली दिवाली है। और देखिए ना, खुशियों की कामना करते हमने कितने सारे दिए जला दिए। आप देखिएगा अगली दीपावली हमारी जिंदगी में कितनी रोशनी लेकर आएगी। राम जी ने चाहा तो ऐसा ही होगा।
रानी की शादी के बाद की पहली दिवाली और सलोनी की मम्मी के बाद की पहली दिवाली है। बस कोकिला यही दुआ रखना कि हम सबकी जिंदगी उजाला होता रहे। सलोनी, अगली दिवाली पर तुम हमारे घर के सामने अपने इन्हीं हाथों से दिए जलाओगी। हाँ नितिन, हमारे घर के आगे कितना अच्छा लगता है मुझे ये सब सोचकर। दिवाली पे रानी साथ होती थी तो दिवाली का रंग ही कुछ और होता था। इस बार मैंने सोचा कि मैं ही वहीं चलता हूँ जहाँ रानी। बहुत अच्छा किया भाई साहब जो आप यहाँ चले दिवाली मनाने के लिए। रानी की वजह से तो हम लोगों की दिवाली की खुशियाँ दुगनी और तिगनी हो गई हैं। लीजिए मुँह मीठा कीजिए। ये मोतीचूर के लड्डू माई ने खास तेरे लिए बनाए। वो तो हम इनकी खुशबू से ही पहचान गए थे पापा। पापा, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। हमने नौकरी शुरू कर दी है, अब हम भी रात से साथ देंगे। बस आशीर्वाद दीजिए कि हम ये जिम्मेदारी बखूबी निभा पाए। मुझे बहुत खुशी है बेटा कि तू अपने फर्ज को समझ भी गई है और बखूबी निभा भी गई है। कल तेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत। टाइम फॉर फैमिली फोटो। Thank you.